इमरान खान को बचाने पाकिस्तान जाएंगे पीएम मोदी। गिरफ्तारी के पीछे है ये अरबपति बिजनेसमैन। इमरान से पहले पाकिस्तान के 7 प्रधानमंत्री हो चुके हैं गिरफ्तार, एक को दी गई थी फांसी की सजा। अगले 24 घंटे में मोदी का एक फैसला बदल देगा पाकिस्तान की तस्वीर, तैयार हो रहा है बड़ा प्लान। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने कुछ दिन पहले कहा था, भारत एक खुददार देश है, नरेंद्र मोदी की देश के बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं की दूसरे देशों में करोड़ों की संपत्ति और बिजनेस है। इमरान खान हमेशा पाकिस्तान से ज्यादा भारत की तारीफ करते रहे। पाकिस्तान में इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते ही भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटा दी थी। पीएम मोदी इमरान खान को क्यों बचाना चाहते हैं और अगले 24 घंटे में भारत क्या करने वाला है, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन अरबपति बिजनेसमैन है जिसने शहबाज सरकार और पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर इमरान की गिरफ्तारी की साजिश रची। इस शख्स का नाम मलिक रियाज है और ये पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स में शामिल एक रियल एस्टेट डेवलपर है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि ये शख्स सरकार गिराने और बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी पहुंच सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं तक है। इमरान खान को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया उस मामले का खुलासा इसी मलिक रियाज ने किया था। जून 2022 में इमरान खान और मलिक रियाज को लेकर एक मामला सामने आया था। उस दौरान एक ऑडियो लीक हुआ था और बताया गया था कि ये ऑडियो मलिक रियाज और उनकी बेटी अंबर के बीच बातचीत का है। ऑडियो में कथित तौर पर बताया गया था कि इमरान खान की सरकार में उनको पहुंचाए गए फायदों के बदले में इमरान की पत्नी बुशरा 5 करोड़ हीरे की अंगूठी की मांग कर रही है। बाद में हालांकि दावा किया गया था कि ये ऑडियो मनगढ़ंत है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पीएम मोदी दखल क्यों देना चाहते हैं, इसकी वजह भी चलिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि अब राजनीति में सेना का दखल खत्म हो जाए। इमरान खान को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई है। इमरान खान पाकिस्तान में वही बात कर रहे हैं जो वहाँ की जनता चाहती है। इमरान खान पाकिस्तान के लोगों के बीच ये भी दिखाना चाहते हैं कि मैं भारत के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद इमरान खान हिंदुस्तान और पीएम मोदी की तारीफ पिछले 1 साल से कर रहे हैं। ये बात पाकिस्तान के लोगों को तो अच्छी लग रही है, लेकिन इमरान के दुश्मन वहाँ की सेना और आतंकियों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। यही वजह कि इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए पूरी साजिश रची गई। हुसैन शहीद सुहरावर्दी, बेनजीर भुट्टो, यूसुफ रजा गिलानी और शाहिद खरान अब्बासी, पाकिस्तान के ये वो प्रधानमंत्री है जिनकी इमरान खान से पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना की वजह से एक प्रधानमंत्री को तो फांसी पर भी लटका दिया गया था। पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो अगस्त 1973 से जुलाई 1977 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर रहे। 4 अप्रैल 1979 को उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो क्या इमरान खान के साथ भी अब कुछ ऐसा ही पाकिस्तान में होने वाला है? पिछले साल इमरान खान ने कहा था, भारत हमारे साथ आजाद हुआ उसे मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, मेरे वहाँ कई दोस्त हैं, वो एक खुददार कौम है। इमरान खान ने कहा था कि किसी भी सुपर पावर की इतनी जरूरत नहीं है कि वो भारत को अपने इशारे पर चला पाए, कोई उसे आंख नहीं दिखा सकता। अगर इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगली बार बनते हैं तो ये बहुत ज्यादा उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। इमरान खान भारत के साथ मिलकर चलना चाहते हैं और आतंक को भी अपने देश से खत्म करना चाहते हैं। यही वजह है कि दावा किया जा रहा है कि अब पीएम मोदी खुद इमरान के लिए पाकिस्तान के हालातों पर दखल देने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि अब मोदी को दखल देना चाहिए और इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं उसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। युग युग के लिए रिपोर्ट।